तो दोस्तों देखा आपने, हमने किस तरीके से अभी कैमरा इंस्टॉलेशन किया। अब कैमरे के बाद बारी आती है रियर स्पीकर की। जो वायरिंग है उसको हम कहाँ से लेके जाएंगे और कैसे कैसे पीछे तक उसे सही तरीके से इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी क्विड कार सॉल्यूशन के प्रोडक्ट रियर स्पीकर कंप्लीट वायरिंग सेट की, जिसमें आपको ये मिलता है। ये वायरिंग सेट है, ये पीछे ट्रे में है, स्पीकर के साथ में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसे साइड में रखते हैं। ये हमारी हेड यूनिट मीडिया नेविगेशन यूनिट से कनेक्ट होकर के पीछे तक जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसे सबसे पहले लगाते हैं। मीडिया नेविगेशन यूनिट हमारी ऑलरेडी खुली हुई है। इसे हमने कल हमने जो यहाँ पे ये कैमरा इंस्टॉलेशन किया है, इसे नहीं छेड़ेंगे अब। ये 24 पिन मेल फीमेल तो ये था, ये लगाया हमने। ये 12 पिन मेल फीमेल है, इसे हम लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये 12 पिन मेल फीमेल को दबा करके इस तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये और इसमें जो कार की तरफ से आया हुआ है वो इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया, ये लग गया है। अब ये जो पीछे वायरिंग ले जानी है, इसे हम यहीं से इसी के बगल से नीचे निकालेंगे। तो मैंने ये यहाँ पे लगाया और इसके बगल से ही यहाँ से इसको निकाला। और इधर से आप देखेंगे ये नीचे से यहाँ आ गया है। तो मैं इसे यहाँ से खींच लेता हूँ। ठीक है, ये खिंच गया पूरा, यहाँ तक आ गया है। अब इसे यहाँ नीचे से आप देखेंगे, ये जो हमारा लाइट हेडलाइट का फोकस को सेट करने का नोब लगा हुआ है, इसके पीछे इसका वायर है। इस वायर के ऊपर से अंदर से इसके इधर से निकालेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर से अंदर से निकाल लिया और इसको इधर खींच लिया। इसको मैं इधर ले आया और सिंपल उसी तरीके से जैसे कैमरा का उधर से लेफ्ट साइड से वायरिंग गया था, इधर राइट साइड से हम इसी के सहारे सहारे पीछे तक रियर सीट तक इस प्लग को ले जाएंगे। तो उसके लिए मैं वही, यहाँ पे भी एक जॉइंट है, इसको हटाता हूँ। ये इजीली रिमूव हो जाता है। और यहाँ देखेंगे आप, पहले से वायरिंग मिलेंगी, जो कार की वायरिंग्स होती है वो ऑलरेडी इसमें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। तो आप आराम से यहाँ से इस प्लग को, इस ये नोब मिलेगी आपको जिससे हमारा फ्रंट का बोनेट खुलता है, इसके पीछे की साइड से निकालेंगे। ठीक है, अभी हमारी वायरिंग ऊपर से होती यहाँ तक आ गई, इसके पीछे से होती नीचे आ गई है। अब धीरे से इसको
वापस से इसको लगाते चलेंगे। ये जो हमारी सीट बेल्ट है इसके अंदर की साइड से निकालेंगे इसको। और ये जो नीचे प्लास्टिक है इसके नीचे से इसे अंदर की साइड में कर। इसे भी हम खोलेंगे। ठीक है, यहाँ से होता हुआ ये ये मैं यहाँ तक लेके आ गया हूँ इसको। अब इसके नीचे से ये जो प्लास्टिक वाला है सीट के नीचे से होती हुई ये यहाँ ले आके हम इसको छोड़ देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि मैं जो हमारा रियर स्पीकर की वायरिंग का जो फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट सीरा है वो मैंने यहाँ पे लाके इसके अंदर से लाके इधर से यहाँ पे छोड़ दिया है यहाँ तक। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है उसे हमने ट्रे में लगा लिया इस तरीके से, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये मैंने क्या किया है कि जो केबल टाई होती है केबल टाई मैंने यहाँ पे इससे फिक्स कर दिया है। इसको ट्रे में दो सुराख किए, एक इधर एक इधर, और ऐसे करके इसको मैंने फिक्स कर दिया है सो दैट ये लटके ना। और यहाँ पे इन दोनों को हम इजीली इसको जोड़ देंगे। कभी हमें ट्रे हटानी भी है तो हम ट्रे को यहाँ से इस जॉइंट को खोलेंगे आराम से और ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। तो आपने देखा ये सोनी के 600 वाट स्पीकर मैंने फिट किए हुए हैं इसमें। तो ये सिंपल सा स्टेप है। इस स्टेप को हमने इसलिए शूट किया कि कई लोग
इसकी डिमांड कर रहे थे। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि अब देखोगे ये जो वायरिंग है इसमें हर एक पेयर में, यानी कि स्पीकर के लिए जो दो वायर हैं उसमें एक छोटा क्लैंप है और एक बड़ा क्लैंप है। तो छोटा क्लैंप स्पीकर के छोटे प्लग में, पिन में लगना है, और बड़ा क्लैंप बड़ी पिन में लगना है। छोटा नेगेटिव होता है और बड़े वाला क्लैंप होता है पॉजिटिव। इसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है, तभी आपकी साउंड आपको अच्छी तरीके से मिल पाएगी, सराउंड साउंड और अच्छी बेस मिल पाएगी।